हेलो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके टेंथ और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्ज़ाम छब्बीस अप्रैल से शुरू होने वाले हैं लेकिन सीबीएसई है कि एक के बाद एक फरमान जारी किए जा रहा है तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ शिक्षा प्रभाव में दोस्तों अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब कर लें वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों को भी शेयर कर देना तो दोस्तों सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं दसवीं और बारहवीं के एग्ज़ाम शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं और बोर्ड भी एग्जाम सही से कराने की तैयारी में जुटा हुआ है और परीक्षाओं को लेकर लगातार नए नए अपडेट जारी कर रहा है ऐसा ही एक और अपडेट बोर्ड ने जारी किया है क्या है वो अपडेट तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दसवीं और बारहवीं टर्म टू एग्ज़ाम को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है हम सभी जानते हैं कि पेपर के दौरान नकल करना अपराध है और ऐसा करने पर आ, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस विद्यार्थी के प्रति हो सकती है जो नकल कर रहा है ठीक है बेटा इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने इस बार नकल करने वालों के प्रति थोड़ी सी नरमी बरती है वो पोलाइट हो गया है किस प्रकार से कि सी बी एस बोर्ड के द्वारा अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि सी बी एस बोर्ड टेंथ और ट्वेल्थ टर्म टू एग्ज़ाम के दौरान अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं वैसे बेटा नकल करना गलत बात है नकल मत करना लेकिन अगर आप नकल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको निष्कासित नहीं किया जाएगा बल्कि आपको दोबारा से परीक्षा देने के लिए कहा जाएगा बोर्ड के अनुसार जो छात्र नकल करता पाया गया उसकी कॉपी और प्रश्न पत्र ले लिया जाएगा इसके बाद उन्हें दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा फिर उसको दूसरी आंसर शीट दी जाएगी और उसे उस आंसर शीट पर एग्ज़ाम दोबारा तो से शुरू करना होगा कुछ भी हो टाइम की तो खपत है ही एक बार में अगर आप आधे डेढ़ घंटे बाद पकड़े जाते हो तो वो वाला टाइम चला जाएगा फिर कम टाइम में कितना ही लिख पाओगे तो आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है इसके साथ ही जो भी छात्र नकल करते हुए पाए जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उन छात्रों की कॉपियों को चेक करने के लिए अलग से ही कमेटी बनाई जाएगी ये कमेटी छात्रों की दोनों उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेगी यानी कि नकल से पहले वाली कॉपी भी चेक होगी और नकल के बाद वाली कॉपी भी चेक होगी और उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शिक्षा प्रवाह को सब्सक्राइब भी कर लेना